आज हम लोग करने वाले एक और चैप्टर चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम नाम है बच्चों हाइड्रोकार्बन। तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी कैसे बनाया जाएगा? यानी इस को हम सिंपली का नाम बोले, हेलो एल्केन्स उसमें ये तीनों पढ़ेगा इन तीनों की प्रॉपर्टी मैंने कहा ये वाला क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट

एच प्लस पे हमला करो। देखो दोनों को प्लस पे हमला करना है अगर किसी और आइटम के प्लस पे हमला किया तो हम उसी चीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं और अगर हाइड्रोजन के प्लस पे हमला किया तो उसी चीज को हम फेस बोलते हैं डिपेंड करता है रिएजेंट क्या मैं आगे लिख से लिखूंगा इसकी कौन कौन सा रिएजेंट एस एन वन करता है कौन कौन सा रिएजेंट कराता है क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में थोड़े डाउट आने शुरू हो गए होंगे अगर पहली बार पढ़ लो कि सर तो कहां पे एस एन वन होगा कहां पे एस एन टू होगा कहां पे ई वन होगा कहां पे ई टू होगा वो सब पता चलेगा उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेके आओ ताकि जब एग्जाम में तो तुरंत हिट कर ये बातें देखते तो पे इलेक्ट्रोफाइल अपने आप लगता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन करता है कार्बन डाइऑक्साइड करता है।, कार्बन है जहां भी तुम्हें कार्बन का किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम के साथ डबल बॉन्ड दिखे और साथ में ग्रिगनाट दिखे इन दोनों में से कोई एक काम होगा हेलो चैंपियंस क्या हाल चाल है तो आज हम लोग करने वाले हैं एक और नए चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है बच्चों ये 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आता है जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन पे हेलोजन लगा है तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी कैसे बनाया जाएगा यानी इस चैप्टर को हम सिंपली एनसीआरटी का नाम बोले हेलो एल्केन्स एल्स हेलो एलि के बारे में पढ़ना है मुझे उम्मीद है आपकी नीट की तैयारी अच्छी चल रही हो क्योंकि अब हमने बहुत सारा चैप्टर कवर कर लिया है है ना तो बहुत सारा चैप्टर कवर करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि उन चैप्टरों के क्वेश्चन भी लग रहे हैं। तो अब बहुत जल्दी आपके पास क्वेश्चन सेशन भी आने वाला है उसके लिए स्टे यून बने रहे साथ में और देखें जल्दी से उस क्वेश्चन सेशन को भी आज के लिए हम क्या करेंगे हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन देखो सबसे पहले यहां से शुरू होता है क्लासिफिकेशन जो अंत तक चलता जाएगा तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हम समझ लेंगे कि बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है उससे बहुत कुछ समझ में आता है बेसिक एक तो हो गया कि नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे मोनो हेलोजिनेटेड यानी एक हेलोजन लगा है डाई हेलोजिनेटेड यानी दो हेलोजन लगे हैं ट्राई हेलोजिनेटेड यानी तीन हेलोजन लगे हैं तो एक क्लासिफिकेशन हो गया नंबर ऑफ हेलोजन एटम हेलोजन को हम दिखाते एक्स से वो तुम्हारे वाला एक्स नहीं कि तुम्हारी एक एक्स है वो नहीं ये वाला एक्स तो इस एक्स से दिखाते हैं इस एक्स में अगर एक लगा है मोनो हेलोजिनेटेड दो लगे हैं सेम या अलग-अलग डाईहेलोजिनेटेड -अलग तीन लगे हैं सेम या अलग-अलग ट्राईहेलोजिनेटेड और ज्यादा लगे हैं तो पॉलीहेलोजिनेटेड इनमें दो बहुत खास होते हैं डाईहेलोजिनेटेड में दो कैटेगरी बहुत खास होती है एक वो जब एक ही कार्बन पे दोनों आइडेंटिकल ये कंपल्सरी है कि एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे और दोनों एक ही हो तभी बोला जाता है तो इनको कहते हैं जेमिनल या शॉर्ट में जेम और अगर एक ही कार्बन के बगल वाले कार्बन यानी नेबरिंग कार्बन अल्फा बीटा कार्बन भी कह सकते हैं नेबर को अल्फा बीटा कार्बन पे अगर दो आइडेंटिकल हैलोजन लगा हो तो इसको कहा जाता है विसिनल क्या कहते हैं विसिनल जेमिनल का कॉमन नेम होता है एल्काइलीन, अल्काइलीडीन अल्काइलीडीन हैलाइड क्योंकि दोनों हैलोजन सेम होंगे तो सिंगल हैलाइड वर्ड ही आएगा और विसिनल का कॉमन नेम होता है अल्काइलीन क्या होता है एल्काइलीन डाइ हेलाइड एल्काइलीन डाइ हेलाइड अब देखो इसको याद कैसे रखोगे ऐसे याद रखोगे जो विसिनल है उसमें डाइवर्ड उसमें डाईवर्ड हेलोजन के साथ आता है और जेमिनल में डाईवर्ड एलकाइलीन के अंदर चला जाता है डाईवर्ड एलकाइलीन के अंदर चला जाता है तो डाई उल्टा होकर जा रहा है तो ऐसे याद रख सकते हो छोटी छोटी ट्रिक होती है देखो उन्हीं ट्रिक को जब बार 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 बार, बार, बार रिपीट करोगे

डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइकनाइल डाइक्लोरोलोरोन तो वो डीडीटी हो गया हमारा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइक्लोरो मीथेन ये सब जो कॉमन पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड एंड में दो पेज के दिए हैं वो जरूर एग्जांपल याद रखने की कि किसमें क्या क्या बातें होती हैं क्या क्या चीजों का यूज होता है इसके अलावा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp3 है वो कार्बन sp3 है कैसे पता चलेगा उसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे तीनों बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है, है तो sp3 कार्बन है तो sp3 कार्बन के बाद क्या देखा जाएगा कि sp3 कार्बन से अगर बेंजीन रिंग डायरेक्टली जुड़ी है क्या जुड़ा है बेंजीन रिंग डायरेक्टली एक दो पोजिशन छोड़ के जुड़ी तो नहीं डायरेक्टली जुड़ी तो बोला जाता है ऐसे बेंजाइल अगर मान लो यही रिंग दो चार छोड़ के जुड़ी तो नॉर्मल एलकाइल हेलाइड बोला जाएगा अगर इसी sp2 कार्बन से एक डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है तो इसको बोलते हैं एलाइल क्या कहते हैं एलाइल हेलाइड और अगर ये दोनों चीजें नहीं प्रेजेंट है तब जाके हम नॉर्मल एल्काइल हेलाइड या हेलो एल्केन्स बोलते हैं तो चैप्टर के नाम को अगर देखोगे NCRT में हेलो एल्केन्स एंड हेलो में तो उसका जो पहला हिस्सा है हेलो एल्केन्स वो फोकस्ड है एल्काइल लेकिन उसमें ये तीनों पढ़े जाते हैं इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी इसीलिए मैंने कहा ये वाला क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हम क्लासिफिकेशन के थ्रू प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे क्या समझ पाएंगे प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे और अगर तुम्हारा हेलोजन एक डबल बॉन्डेड कार्बन यानी एसपी कार्बन है हेलोजन एक डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा है तो देखो अगर वो डबल बॉन्डेड कार्बन जिससे जुड़ा है वो है वो बेंजीन का पार्ट किसका पार्ट है बेंजीन का पार्ट है तो इसको कहा गया एराइल हेलो तो चैप्टर का सेकंड पार्ट इन दोनों पे फोकस रहेगा और अगर ये डबल बॉन्डेड नॉर्मल कार्बन है जिस पे हेलोजन जुड़ा है तो कहा गया विनाइल तो कहा गया विनाइल देखो समझना जनरल बातें इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है यानी जो भी बात हम के समझेंगे पढ़ोगे सेम बातें तुम एलाइल और बेनसाइल पे अप्लाई कर सकते हो कैसे समझा जाएगा देखो यहां पे जब ये हेलोजन निकलेगा ये हेलोजन निकलेगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज

तो इन दोनों में एस और एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे कॉमन रिएक्शन है इनकी केमिकल रिएक्शन तीन पार्ट में ही है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और थर्ड आती है स्पेसिफिक रिएक्शन विद मेटल यहां पे देखो इस वाले केस में जो हेलोजन का लोन पेयर है यहां पे तो कॉन्जुगेशन से बहुत दूर था बट यहां पे हेलोजन का लोन पेयर

तो यहां पे आ गया बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ब्रेक होने नहीं देगा तो जो बातें यहां पे पढ़ोगे जो रिएजेंट यहां पे देखोगे वही रिएजेंट यहां पे वो रिएक्शन नहीं करा पाएगा यानी इन जगह एराइल और विनाइल में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन होना मुश्किल होगा हो सकता है हम कर पा रहे हो लेकिन उसके लिए हमें डेफिनेटली कोई एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए होगी हो सकता है हमें वहां पे हाई टेम्परेचर प्रेशर किसी ना किसी बात की हेल्प लेनी ही पड़ेगी उसके बिना तो रिएक्शन होने का सवाल ही नहीं होता है कहीं और से पैसा आएगा तभी कहेगा चलो ठीक है पैसा आ गया चलो हेलोजन को भगा देते हैं तो ये हेलोजन को भगाएगा नहीं ये भगाने पर तो ये पीठ पीछे वाले दुश्मन दोस्त हैं ये अच्छे वाले दोस्त हैं अब अगर बात करें तो क्योंकि यहां पे एसएन रिएक्शन बहुत बार आएगी तो मैं एसएन रिएक्शन की बात पहले ही कर लेता हूं एसएन रिएक्शन का खास क्या है देखो मान लो मेरे पास एक कार्बन से एक लीविंग ग्रुप जुड़ा है क्या जुड़ा है लीविंग ग्रुप लीविंग ग्रुप कोई ऐसा कोई बहुत रॉकेट लाइन नहीं लीविंग ग्रुप मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिच शील्ड लिविंग ग्रुप आर बेसिकली न्यूक्लियोफाइल और ये होता है कि जितना अच्छा बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप सो लिविंग ग्रुप्स आर ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप आर ऑल्सो रिच इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड दो काम हो सकते हैं दो काम हो सकते हैं ध्यान से देखना एक काम यह हो सकता है कि कार्बन की लीविंग ग्रुप से दोस्ती अच्छी नहीं है लीविंग ग्रुप से दोस्ती कैसी बहुत बेकार मतलब ठीक है बाहर हेलो हाई वाली दोस्ती है यह नहीं कि रात भर फोन पे लगे हुए निब्बा निब्बी की तरह हेलो हाई वाली दोस्ती है तो इस हेलो हाई वाली दोस्ती में क्या है कि जैसे हम इसे सॉल्वेंट में डालेंगे प्रॉपर पोलर सॉल्वेंट में किस में डालें? एक प्रॉपर पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे सॉल्वेंट का काम ही होता है वाटर सुना हो वाटर आयन में तोड़ देता है दोस्ती में दलाल लाना।, लाना तो जैसे ये पोलर सॉल्वेंट आएगा इनकी दोस्ती में लाएगा दराल इनके ऊपर इनके दिमाग में भरेगा रंजीशे इनको भड़काएगा कि भाई वो ऐसा कह रहा था ये ऐसा कह रहा था गुस्से में आके कार्बन ने कहा ऐसी बात है तो भागो यहां से निकलो पहली फुर्सत में ही निकलो तो ये निकल गया भाई अब देखो ये निकला कार्बन पे कैसा है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन को ऐसे अब अच्छा लगा होगा हल्का लगा होगा मन हल्का हो गया जो निगेटिव चीजें थी वो अलग हो गई जिंदगी से अगर निगेटिव चली जाए तो मन हल्का हो जाएगा यानी ये क्या हुआ स्टेबलाइज हुआ ये स्टेबलाइज होना ये इंडिकेट करेगा ये दोस्ती कमजोर है ये स्टेबलाइज होना ये इंडिकेट करेगा दोस्ती कमजोर है यानी तुम्हें हिंट क्या मिला यहां से देखो तो हिंट क्या मिला हिंट ये मिला कि कार्बो कैटाइन की स्टेबिलिटी इस रिएक्शन को गवर्न करेगी इस रिएक्शन को कंट्रोल करेगी कुछ दिनों बाद कार्बन को थोड़ा अकेलापन तो लगेगा ना ब्रेकअप के बाद अकेलापन तो लगता ही है तो उसे कोई दूसरी सी सुंदर सा न्यूक्लियोफाइल दिख गया वो न्यूक्लियोफाइल ने आके हमला कर दिया और हमला करके अब कार्बन और न्यूक्लियर की दोस्ती मजबूत हो गई कुछ और बातें कार्बन के तीन बॉन्ड हैं पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन sp2 है कार्बोकेटाइन प्लेनर है और जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे स्टेबिलिटी को कार्बोकेटाइन का वन करता है तो अगर इस रिएक्शन को देखो और समझो तो इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है बॉन्ड टूटने का स्टेप वो स्लो है क्योंकि अभी सॉल्वेंट को आके दरार लानी पड़ेगी अपने आप तो नहीं टूटेगा

एस एन वन रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्टिव होगी जितनाटिव में का भी है, जितना अच्छा हो हो तो चार चांद लग जाएंगे रिएक्शन में बढ़िया तेजी से रिएक्शन होगी चौथा लीविंग ग्रुप अगर लीविंग ग्रुप आसानी से मान जाए कि भाई मैं चला जाता हूं फालतू तो में गुस्सा मत करो मैं चला जाता हूं अगर लीविंग ग्रुप सीधा साधा शांत अच्छा लीविंग ग्रुप है तो जल्दी होगा काम लिविंग ग्रुप अगर अच्छा नहीं है तो यह काम करना मुश्किल होगा यानी जो स्लो स्टेप है ना उसको हमने सुना है ना? आयोनिक होती है। तो कभी भी अगर इन जनरल कहा जाए कि कि किसम जल्दी होगा एस वन की टेंडेंसी देखो इन जनरल कहा गया किसमें जल्दी होगा तो एस SN... एन जल्दी होगा तो एस की टेंडेंसी देखो दूसरा क्या हो सकता है कि कार्बन और एक्स का ग्रुप अच्छा था स्ट्रॉन्ग था स्ट्रॉन्ग दो वजह से हो सकता है कि लीविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन अच्छा ग्रुप नहीं है हेलोजन की बात कर ही तो हेलोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो डाउन द ग्रुप इनऑर्गेनिक में सुना होगा नहीं सुना तो पढ़ोगे डाउन द ग्रुप दा आने पे लुजन में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है ठीक है अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट बेस देख लो कॉन्जुगेट बेसिक कैरेक्टर घटने लगेगा सबसे बुरा बेस जितना बेकार बेस होता है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि बेस दोस्ती करना चाहता है बेस हमला करना चाहता है तो जितना बेकार बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो लिवेबिलिटी का ऑर्डर हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का उल्टा या एसेटिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का सीधा होगा तो लिवेबिलिटी की अगर बात की जाती है तो फ्लोरीन सबसे बर्बाद लीविंग ग्रुप है एसन वन नहीं कर पाएगा फ्लोरीन सबसे बर्बाद लिविंग ग्रुप है और आयोडीन सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन सबसे बर्बाद और आयोडीन सबसे बढ़िया ठीक है दोस्ती मजबूत तो अब इस दोस्ती में दरार तो डालनी है अब इस दोस्ती में दरार डालेगा न्यूक्लियोफाइल जब सॉल्वेंट से कुछ नहीं हुआ जब हमारे थैनोस के चिल्ड्रन कुछ नहीं हुआ तो थैनोस ने कहा चलो अब मैं ही करता हूं तो फाइल ने कहा लेकिन इधर से नहीं आ सकता पता चल गया तो फिर दोस्ती नहीं टूटने देगा तो न्यूक्लियर ने पीछे के से हमला कर दिया बैक साइड अटैक बैक साइड अटैक हुआ तो एक ट्रांजिशन आया कि इधर से कार्बन ने कहा निकलो फटाफट निकलो न्यूक्लियोफाइल से दोस्ती करनी है इंटरमीडिएट नहीं ट्रांजिशन स्टेट है जहां बॉन्ड टूट या बन रहे होता है ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है अब कार्बन के पांच बॉन्ड भी मत बोल देना कार्बन के पास चार ही है चार ही बॉन्ड बना सकता है एक ही ऑर्बिटल के आगे वाले हिस्से में एक्स जुड़ा है पीछे वाले हिस्से में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है कार्बन के अभी चांदी है लेकिन ज्यादा देर ऐसे रहेगा नहीं हेलोजन चला गया हेलोजन चला, चला गया और न्यूक्लियोफाइल आ गया तो देखो ये रिएक्शन एक ही बार में हो गई ये ट्रांजिशन स्टेज है इसको स्टेप नहीं गिनते तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हुई और इसके एक ही स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आए एक ही स्टेप में आए दो मॉलिक्यूल कितने आए दो मॉलिक्यूल तो इसको कहा गया बाई मॉलिक्यूलर क्या कहा गया बाई मोलिकुलर एसेंटू रिएक्शन एसेंटू रिएक्शन तो एस टू में क्या होगा बॉन्ड स्ट्रॉ है तो एसएन होगा न्यूक्लियर फाइल को बैक साइड आने तो पीछे भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए पीछे भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए तो एस टू को सपोर्ट कौन करता है स्टेयरिकंड्रन वन को कार्बोट की स्टेबिलिटी एस एन टू को स्टेयरिक्यूक्लियर फाइल अगर स्ट्रॉन्ग हुआ न्यूक्लियर फाइल स्ट्रॉन्ग हो तो पहले हमला कर देगा तभी तो हमला कर पाएगा तो यहां का न्यूक्लियर फाइल कैसा होना चाहिए स्ट्रोंग यहां का न्यूक्लियर फाइल कैसा होना चाहिए स्ट्रोंग यहां पे न्यूक्लियर फाइल कैसा होना चाहिए वीक क्योंकि स्ट्रोंग हुआ तो एस की तरह होने लगेगा स्ट्रोंग अगर हुआ तो ये पहले जाके हमला कर देगा बॉन्ड टूटने का इंतजार नहीं करेगा तो यहां का न्यूक्लियरफाइल साधु संत इंसान चाहिए जो पहले टूटे नहीं दे कि चलो उसको अकेला होने दो फिर जाके हमला करेंगे यहां का न्यूक्लियर फाइल चाहिए एकदम दबंग टाइप का दमदार कि टूटे ना टूटे मैं तो हमला करूंगा तो अगर तुम इस बात को समझ पाते हो तो तुम्हें सारी कंडीशन पता चल जाएगी जो अभी हमने आगे लिखी हुई है, ये जो कि यहाँ पे बहुत सारी है याद कैसे रहेंगी रीजन क्या है, ये सारी आगे लिखी हुई है। समझ लो फिर से एक बार रिपीट हूं दो चीजें देखी जाती है कार्बन कैसा है यह भी देखा जाता है लिविंग ग्रुप कैसा है यह भी देखा जाता है दोनों केस में लिविंग ग्रुप को निकलना है दोनों केस में लिविंग ग्रुप को निकलना है तो लीविंग को निकलने के लिए उसको अच्छा होना चाहिए यानी लिवेबिलिटी दोनों केस में मैटर करेगी सेम लिवेबिलिटी ज्यादा तो SN1 भी बढ़िया से होगी एस एन टू भी बढ़िया से होगी दूसरा कार्बन का नीचे देखो तो अगर कार्बन कार्बोकेटायन को अच्छे से बना सकता है तो एस एन वन में जाएगा अगर कार्बन पर भीड़भाड़ कम है तो एस एन टू पे जाएगा जैसे वन डिग्री एस एन टू पे जाएगा थ्री डिग्री एस एन वन पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल को देखो तो न्यूक्लियर फाइल अगर तगड़ा होगा तो बॉन्ड टूटने का वेट नहीं करेगा न्यूक्लियर फाइल पहले जाके हमला कर देगा न्यूक्लियर फाइल अगर कमजोर होगा तो पहले इंतजार करेगा उसके अकेले होने का तब जाके हमला करेगा तब जाके हमला करेगा तो फटाफट देखते हैं एस के बारे में कंपेरिजन लेफ्ट साइड में तुम देखोगे तो एसन है राइट साइड में देखोगे तो एसन है कभी कभी इतनी बेसिक बातों पे भी जाना पड़ जाता है वरना कोई अभी बीच में बोल लिख देगा एस एन वन कौन सा एसन टू कौन सा तो एस एन वन यूनिमोलिकुलर इसलिए वन बोला गया कितने स्टेप में होगी दो स्टेप में होगी एस एन टू बाई मोलिकुलर एक स्टेप में होगी कार्बोकेटैन बनता है तो सब कुछ कार्बोकेटैन कंट्रोल करेगा कार्बोकेटैन अच्छा तो ज्यादा रिएक्टिव यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है यानी कोई भी इंटरमीडिएट एस एन टू में नहीं बनता है कार्बोकेटैन बनेगा का तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है रिंग का एक्सपेंशन भी हो सकता है कार्बो के टाइम नहीं बना तो कोई भी चेंज नहीं आएगा कार्बन चेंज में कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें आ सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोटिक मतलब H प्लस देने वाला आप प्रोटिक मतलब H प्लस नहीं देने वाला जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एसिटोन एसिटोन पोलर है लेकिन H प्लस नहीं दे सकता है एग्जाम्पल के तौर पे वाटर पोलर भी है H प्लस भी दे सकता है क्योंकि दोनों में थोड़ा थोड़ा आयन है चार्ज है तो दोनों में पोलर सॉल्वेंट तो चाहिए लेकिन यहां पे प्लोटेक होगा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल वीक होगा न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो वो वेट करेगा बॉन्ड टूटने का न्यूक्लियोफाइल फाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो वो वेट नहीं करेगा बॉन्ड के टूटने का देखा समझ में आई बात यही सेम क्राइटेरिया तुम्हें मैं समझाऊंगा ईवन ई टू में ईवन ई टू के बीच में भी यही डिफरेंस है कार्बो की स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है थ्री डिग्री

ये था जिसमें एस एन वन हुआ ये आर या एस कुछ रहा होगा ठीक है न्यूक्लियोफाइल आ रहा है पहले क्या बनता है कार्बोकेटाइन और बात करूं तो कार्बोकेटाइन बच्चों होता है प्लेनर राइट कार्बोकेटाइन कैसा होता है प्लेनर जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो 3D नॉन प्लेनर

ऊपर की साइड आ गया तो वो वाला तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेंटेड प्रोडक्ट रिटेंटेड प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं इनवर्टेड प्रोडक्ट क्योंकि दोनों बन रहे एक डेस्ट्रो है एक लीवो है दोनों इनेंशियोमर बन रहे दोनों क्या बन रहे इनेंशियोमर, तो इसलिए इनके को बोला गया याद या है इनशियोमर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर और यही अगर हमारा ऐसा मॉलिक्यूल होता एसन टू करने के लिए क्या करने के लिए एसन टू करने के लिए तो ये इंतजार नहीं करेगा लीविंग के जाने का क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इधर की तरफ रिपल्शन करेगा इधर की तरफ क्या करेगा रिपल्शन तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक करना कंपलसरी हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक करना कंपलसरी हो जाता है और इस वजह से जब लीविंग ग्रुप निकल जाएगा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इनवर्जन कर देगा क्या कर देगा पलट देगा छतरी को पलट देगा इसीलिए हम कहते हैं कि Sn1 में रेसमाइजेशन होगा अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ रही तब तो मिरर इमेज का कोई मतलब नहीं तब चाहे ऊपर टैक चाहे नीचे करे ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बनेगा तब इनशियो बोला ही नहीं जाएगा तब बोला जाएगा आइडेंटिकल तो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है प्रोडक्ट में एस रिएक्शन होने के बाद तब हम इस बात को यूज करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री that in sn1 racemization occurs while in sn2 complete inversion occurs 100% 100 प्रतिशत इनवर्जन होता है 100% inversion होता है आई बात समझ देखो इसी के साथ आता है e1 e2 e1cb मैकेनिज्म सेम काम होता है सेम काम लिविंग ग्रुप मान लो बगल में कार्बन है जिसपे एच लगा है ये हो गया तुम्हारा अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन जहां पे लगा है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा उसके बगल वाले को बीटा ये बॉन्ड वीक था चला गया कार्बोप बन गया पहला स्टेप तो सेम था ना पहला स्टेप सेम अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा नेचर कम है न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक दोनों के पास सेम लोन पेयर होते हैं डिपेंड करता है कौन सी टेंडेंसी डोमिनेट कर रही है तो अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो वो प्लस पे हमला कर देगा एच वहीं का वहीं रह गया और हमें एस एन वन होता मिल गया एस एन वन बट अगर न्यूक्लियो फाइल के अंदर न्यूक्लियो फाइल के अंदर बच्चों अच्छा गया फाइल के अंदर कौन सा नेचर अच्छा हो गया बेसिक नेचर अच्छा हो गया यानी कि जैसे एल्कोहलिक सोल्यूशन आ गया एल्कोहल वीक एसिड होता है तो बेस अच्छा होता है दो ही याद रखो तुम्हारा काम चल जाएगा दो ही याद रखो तुम्हारा काम चल जाएगा या सोडामाइड आ गया ये दो याद रखो एल्कोहलिक केविश या सोडामाइड अगर आ गया तो वो क्या करते हैं बेस बेस एच प्लस पे हमला करते हैं देखो दोनों को प्लस पे हमला करना है अगर किसी और एटम के प्लस पे हमला किया तो हम उसी चीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं और अगर हाइड्रोजन के प्लस पे हमला किया तो उसी चीज को हम बेस बोलते हैं तो एच है निकला तो ये बॉन्ड खाली हुआ ये बॉन्ड आगे चला गया और हमें मिल जाएगा एल्कीन हमें मिल जाएगा एल्कीन जिसको हम बोलते हैं ईवन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन इसको पूरा कहा जाएगा अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलुचिनेशन तो जो कंडीशन एस एन वन को फॉलो करती है वही सेम कंडीशन ईवन को भी फेवर करेंगी सिर्फ डिपेंड करता है रिएजेंट कैसा है डिपेंड करता है रिएजेंट कहता है मैं आगे लिस्ट लिखूंगा इसकी कौन -कौन सा री एजेंट एस एन वन कराता है कौन कौन सा रिएजेंट एजेंट एस एन टू का है क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में थोड़े डाउट आने शुरू हो गए होंगे अगर पहली बार पढ़ पह लो कि सर कहां पे एस एन वन होगा कहां एन टू होगा कहा वन होगा कहां पे ई टू होगा, होगा, होगा वो सब पता चलेगा फिलहाल हर एक मैकेनिज्म की मैकेनिज्म को समझते चलो ये ऐसी रिएक्शन है जहां पर तुम्हें मैकेनिज्म याद होनी चाहिए वरना हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं बट इनकी मैकेनिज्म समझो एल्कीन बनेंगे तो तुम्हें बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिखेंगी मान लो उधर भी अल्फा भी है तो वो एल्कीन जिसके पास ज्यादा एच है वो ज्यादा स्टेबल होगी उस एल्कीन को कहा जाता है सिट्ज प्रोडक्ट क्या कहा जाता है सिटेफ प्रोडक्ट जनरली यही ज्यादा मेजर होता है जनरली हमेशा नहीं बट ये ज्यादा मेजर होता है वो एल्कीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है क्या है अल्फा हाइड्रोजन कम है तो अगर अल्फा हाइड्रोजन कम है तो ऐसी अल्किन को कहा जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है तो जब तक मैं तुम्हें तो बता ना दूं तब तक ये मान के चलो कि हॉफमैन प्रोडक्ट यूजुअली माइनर होता है यूजुअली क्या होता है माइनर यूजुअली माइनर होता है अभी आगे आते हैं दोबारा आओ दोबारा आते हैं अब क्या समझा हमने लिविंग ग्रुप अल्फा पोलिशन पे हाइड्रोजन ठीक है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसमें यहीं पे दो पार्ट हो जाएंगे क्योंकि एक ही स्टेप की होती है ना एसेंटू तो एसेंटू के पैनल में चलता है बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन अगर न्यूक्लियोफाइल बन के आया तो कार्बन पे हमला कर देगा अगर बेस बन के आया तो हाइड्रोजन पे हमला कर देगा हाइड्रोजन पे हमला करेगा तो ये बॉन्ड आगे जाएगा ये निकल जाएगा कार्बन पर हमला करेगा तो वही निकल जाएगा तो यहां भी वही पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबिलिटी कि या तो सब्सटीट्यूट कर दे एसेंटू यानी जो कंडीशन एसन को फेवर करती है वही सेम कंडीशन ई को भी फेवर करेगी या फिर डबल बॉन्ड ले आए डबल बॉन्ड ले आए यानी कि डबल बॉन्ड लाएगा तो क्या बोलेंगे अगर डबल बॉन्ड ले आए तो एलिमिनेशन अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां भी वही दो बात होंगी सिक्स और हाफ मैन और हाफ मैन चल देखो आगे अगला आता है ईवन सीबी ये सबसे हटके इसका एक ही केस है जो तुम्हें समझना है सीबी का मतलब है कॉन्जुगेट सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस देखो समझो ईवन में क्या हुआ लीविंग ग्रुप पहले गया हाइड्रोजन बाद में गया अब एलिमिनेशन को समझो लीविंग ग्रुप पहले गया हाइड्रोजन बाद में गया तो ईवन कार्बोकेटाइन बना लीविंग ग्रुप गया कार्बोकेटायन बना फिर हाइड्रोजन गया तो ओवरऑल अगर एलिमिनेशन हमें करना है बच्चों ओवरऑल हमें दो चीजें हटानी है लिविंग ग्रुप हटाना है और हाइड्रोजन हटाना है हा ना तो एलिमिनेशन करने के लिए दो चीज हटनी है अब एक केस पढ़ा लिविंग पहले हटा हाइड्रोजन बाद में क्योंकि लिविंग हटना चाह रहा था जो पहले हटा उसमें उत्सुकता ज्यादा है जो पहले हटा उसमें उत्सुकता ज्यादा है दोनों साथ साथ हटे दोनों में समान उत्सुकता भागने की जल्दी दोनों में तीसरा केस सोचो तुम ही सोच के बताओ क्या होगा लिविंग ग्रुप पहले जा रहा था दोनों साथ में जा रहे थे तीसरा केस क्या हो सकता है तीसरा केस क्या हो सकता है तीसरा केस ये हो सकता है कि बेस आया और लीविंग से ज्यादा उत्सुकता हाइड्रोजन में थी यानी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक था हाइड्रोजन एसिडिक था उसमें जाने की उत्सुकता ज्यादा थी और लीविंग ग्रुप फ्लोरीन था यह इवन सी भी तुम सिर्फ फ्लोरीन के साथ देखोगे अगर लीविंग ग्रुप फ्लोरीन था जो बहुत ही बेकार लीविंग ग्रुप है यानी जाना ही नहीं चाहता है जब तक डंडे मार के नहीं भगाओगे तब तक ये जाना ही नहीं चाहता है के बैठ गया थी, थी, तुम कब जाओगे तो बेस ने हाइड्रोजन को निकाला लेकिन लीविंग ग्रुप अभी नहीं जा रहा है अब बगल वाला कार्बन गुस्से में आ गया कि भाई मेरे पर इतनी देर से निगेटिव चार्ज बैठा है लेकिन इसको शर्म रही कि भाग जाए तो इसी ने डंडे से मारा भगा दिया तो ये जो H+ प्लस हटने के बाद एसिड H+ प्लस हटने के बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं तीनों में बन वही रहा है ईवन सी बी हो या फिर ईवन सी बी हो ईवन हो ई टू हो सब में काम एक ही हो रहा है अलग अलग वजह से हो रहा है अलग अलग वजह से हो रहा है देखो मैं तुम्हें समझाता इसका एग्जाम्पल अब समझेंगे एग्जाम्पल देखो सी CH, मान लो ये ठीक है थीके? देखते जाओ इसमें मैंने मिलाया बच्चों एल्कोहलिक के ओ एच सबसे पहले तो ये याद रख लो किसी भी एस ब्लॉक के बेस का एल्कोहलिक सोल्यूशन किसी भी एस ब्लॉक के बेस का एल्कोहलिक सोल्यूशन या सोडामाइड ये सब एलिमिनेशन कराते हैं इस कार्बन की डिग्री समझो ज्यादा तुम्हें नीट में एस एन वन एस एन टू में कंफ्यूज नहीं करेंगे तुमसे मेजर माइनर में ज्यादा पूछा जाता है तो फाइनली बस समझो कि कैसे होगा टू डिग्री है कार्बो कैटायन बनेगा टू डिग्री है तो कार्बो कैटायन बनेगा यानी यहां पर मैकेनिज्म होगी ईवन मैकेनिज्म होगी ईवन देखो ये भी अल्फा ये भी अल्फा तो ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा ध्यान से देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एक एच प्लस निकला और एक Cl- माइनस निकला क्लियर एक बार मैंने लेफ्ट वाला एच लिया तो ऊपर वाला प्रोडक्ट बना राइट साइड वाला एच निकाला तो डबल बॉन्ड नीचे तो तुम्हें प्रोडक्ट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म से लेकिन कब कौन सा प्रोडक्ट देखो इसके पास देखोगे तो छह अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा सेट प्रोडक्ट ये कहलाएगा सेट प्रोडक्ट इसके पास देखोगे तो डबल बॉन्ड के बगल में दो अल्फा हाइड्रोजन ये हमने हाइपर कॉन्जुकेशन में देखा था ये कहलाएगा हाफमैन प्रोडक्ट क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा हाफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा ज्यादा स्टेबल ऊपर वाला कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं तो हाफमैन प्रोडक्ट हो गया मेचर हाफमैन प्रोडक्ट हो गया सॉरी सेटेप प्रोडक्ट हो गया मेचर मैं दिमाग में आगे बढ़ गया था सेट प्रोडक्ट क्या हो गया मेजर ये देखो CH3, CH2BR, अच्छे सबके सब अच्छे लिविंग ग्रुप कई बार एल्कोहल की जगह ऐसे भी लिखा जाता है आर ओ माइनस एन ए प्लस इसका भी वही मतलब है एल्कोहलिक सोल्यूशन एन ओ एच का क्योंकि ये आर ओ माइनस हमेशा एल्कोहल से आए होगा ये भी क्या कहेगा एलिमिनेशन अब ये देखो कैसा है वन डिग्री डिग्री में डोमिनेट क्या कर जाएगा ई टू डॉमिनेट कर जाएगा ई टू डॉमिनेट करेगा अल्फाएच देखो एक ही अल्फा अल्फाएच है ऑप्शन ही नहीं एक ही अल्फा अल्फाएच है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा दो अल्फा अल्फाएच के ऑप्शन होते तो दो प्रोडक्ट बना लेते एक का, एक E2 का. एक का, एक एक का 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 सॉरी और एक हाफ मैन दो प्रोडक्ट बना लेते कभी भी अगर तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बन रहा है कभी भी अगर फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बन रहा है तो हमेशा डबल बॉन्ड में देखो कहीं ट्रांस की पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही है अगर ट्रांस की पॉसिबिलिटी आ रही तो दोनों देखे जाएंगे, दोनों बनेंगे। कल को पूछा नहीं जाता है, कल को अगर पूछ बोलेंगे। तो दो एक हाफ मैन प्रोडक्ट कहलाएगा टोटल तो यहां पर तीन प्रोडक्ट बनेंगे टोटल तो यहां पर जब भी तुम किसी रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा उसको टाइम दो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेके आओ ताकि जब एग्जाम में तो तुरंत हिट कर जाए अच्छा ये ये बातें देखते थे सिस और ट्रांस में भी अगर कल को कॉम्पिटिशन पूछे जाए ज्यादा कौन बनेगा सिस ट्रांस दोनों ज्यादा बनेंगे हाफ हाफमैन से ये तो तय है चाहे चाहे सिस हो हो ट्रांस हाफ हाफमैन से दोनों ज्यादा बनेंगे बट सिस और ट्रांस में ज्यादा कौन बनेगा तो ट्रांस वाला और ज्यादा बनेगा क्योंकि वो और ज्यादा स्टेबल है और मजे में है वो उसकी लाइफ में और मजा है अगला एग्जाम्पल देखो अगला एग्जाम्पल आता है कि मान लो बच्चों मेरे पास ये है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री देखो यहां पर एलिमिनेशन हुआ ईवन कैसा एलिमिनेशन हो इवन प्रोडक्ट बना सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच ये प्रोडक्ट बना सी एच थ्री सी एच हटा दो यहां से CH3, CH, CH3, एक डबल बॉन्ड यहां है एक और प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंजमेंट से बट फिलहाल वहां नहीं जा रहे एक और प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंजमेंट से लेकिन फिलहाल वहां नहीं जा रहे देखो ये वाला बी आर दोनों केस में निकल रहा है ये वाला बी आर दोनों केस में निकल रहा है ऊपर वाले को देखू तो एक अल्फा हाइड्रोजन है ऊपर वाले को देखा जाए तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, है नीचे वाले को देखू तो तीन 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 नौ नौ अल्फा हाइड्रोजन है, है ये ये हाफमैन क्या लगता है कौन सा मेजर होगा सिट्जफ होगा बिल्कुल होगा होना ही चाहिए बट अगर मेरा बेस ऐसा है टैशरी ब्यूटॉक्साइड ऐसा बेस है टैशरी ब्यूटॉक्साइड मतलब ब्यूटाइल आयन मतलब ये अपनी सेना लेके चल रहा है वो देखा ना भल्लाल देव वाला रथ जिसमें गोल गोल चक्कर काटते तो ये अपनी सेना लेके चल रहा है पूरी की पूरी इसके आसपास बहुत सिपाही खड़े हैं अब इस सेना को यहां जाने में हिंड्रेंस सहनी पड़ेगी नहीं सहनी पड़ेगी यहां जाने में ज्यादा हिंड्रेंस सहनी पड़ेगी नहीं सहनी पड़ेगी ज्यादा हिंड्रेंस सहनी पड़ेगी नहीं सहनी पड़ेगी इसको इवन छोड़ देते चलो

हमला करके अलग हो जाओ चुपचाप यहां से निकल जाओ और साइड से अगर लेना चाहेगा तो वो किस प्रोडक्ट को मेजर कर देगा हाफमैन तो एक क्राइटेरिया ये है कि अगर मेरे पास बल्कि बेस है तो हाफमैन प्रोडक्ट ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है अगर बल्की बेस है तो हाफमैन प्रोडक्ट ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है दूसरा क्राइटेरिया क्या है अगर मान लो बच्चों मेरे पास लगा है यहां पे फ्लोरीन जो बहुत बेकार बहुत बेकार हद से ज्यादा बेकार लीविंग ग्रुप या लिवेबिलिटी रखता है तो अगर फ्लोरीन लगा है बच्चों जिसकी लिवेबिलिटी बहुत बेकार है घटिया लिवेबिलिटी है तो ये तो जाएगा नहीं तो यहां पे कैसा भी बेस आ जाए अल्कोहलिक केवेच ही आ गया नॉर्मल अपना अल्कोहलिक केवेची लेकिन यहां पे मैकेनिज्म अब क्या होगी E1 CB CB में पहले क्या निकलता है जो पहले निकलता है वो ध्यान रखना है जो पहले निकलता है वो याद रखना जरूरी है CB में पहले निकलता है एसिडिक H तो ये वाला H ज्यादा एसिडिक होगा ये वाला H ज्यादा एसिडिक होगा क्यों क्योंकि प्लस i जब यहां से H निकलेगा तो माइनस को अनस्टेबल करेगा यानी ये वाला H कम एसिडिक होगा एसिडिक नेचर जब भी कंपेयर करना हो एच प्लस हटाने के बाद जो निगेटिव चार्ज आया उसकी स्टेबिलिटी देख लो पॉजिटिव आई निगेटिव की स्टेबिलिटी को घटाता है अच्छे से याद करवाया था कि अगर निगेटिव को स्टेबिलिटी चाहिए तो निगेटिव ग्रुप होना चाहिए प्लस ग्रुप निगेटिव को अनस्टेबल बनाएगा जैसा चार्ज है वैसा ही ग्रुप स्टेबिलाईज करता है तो अब ईवन सीबी में ये एच जल्दी निकलेगा ये एच जल्दी निकलेगा तो अगेन हमें हाफमैन प्रोडक्ट ज्यादा मेजर प्रोडक्ट मिलता है हाफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है तो हाफमैन के मेजर बनने के दो केसेस हो गए पहला केस अगर एक बल्कि बेस आए तो हाफमैन प्रोडक्ट ज्यादा बनता है दूसरा केस अगर हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड है क्या है अल्काइल फ्लोराइड है तो वो आसानी से नहीं कर जाएंगे तो वहां भी एसिडिक नेचर की वजह से हाफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है ये दो बातें तुम्हें याद रखनी है कि कब कब हाफमैन प्रोडक्ट ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो बच्चों अगर अल्काइल की प्रिपरेशन को समझ ले रहे। देखो काम तो हो गया हमारा। अब समझ वैसे ही समझेंगे बिल्कुल वैसे ही कैसे हाइड्रोकार्बन से अल्केल से बनाने का को कोई मेथड सीखा था बिल्कुल सीखा था एलकेल से बनाने का को कोई मेथड सीखा था देखो अब जो पुराने चाहते हैं ना उनके मेथड पहले से कवर्ड है तो धीरे धीरे तुम समझोगे कि रिएक्शन भाई बहुत कम है ऑर्गेनिक में वही दस बार, पचास बार सौ बार वापस आती है से कैसे बनाओगे हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन तो फ्लोरीन जल्दी करेगा यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं पूछा जा सकता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे कितने मोनोक्लोरिनेटेड मोनोग्लोमिनेटेड बनेंगे एल्कीन से बनाया जा सकता है क्या बिल्कुल कैसे

जिसको कहा जाता है लूकस रिएजेंट क्या कहते हैं लूकास रिएजेंट जो एस एन वन हो सकता है या एस एन टू हो सकता है या फिर हम लोग या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ एक्स टू ये पी एच थ्री देता है हेलाइड फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड तो अगला हम लोग ले सकते हैं फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड या हम लोग ले सकते हैं फॉस्फोरस या फिर हम लोग ले सकते हैं डाल्जन है, है मेथड है। तो इन सबकी मैकेनिज्म में देखो नहीं जाना है वैसे भी एस एन वन मैकेजम बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाना है क्या हम लोग एल्कोहल के बाद कीटोन एल्डिहाइड से बना सकते हैं जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं कीटोन एल्डिहाइड वास्तविकता में पढ़ेंगे आगे कीटोन एल्डिहाइड वास्तविकता में जेमिनल एल्कोहल्स होते हैं कीटोन एल्डिहाइड वास्तविकता में क्या होते जेमिनल हैं क्यों क्योंकि है तो है, बन जाता है तो ये एक तरह से पानी में जाके जेमिनल एल्कोहल जैसे रहते हैं तो जैसे एल्कोहल से सीखे थे यही पांचों मेथड ए से लेके ई तक यही पांचों मेथड यहां भी लगा दोगे दो ओ एच है तो दो एक्स आके लगेंगे तो सेम एल कीटोन भी यही रिएक्शन देते हैं बस एक ओएच है तो एक एक्स एक लग जाएगा दो ओ एच है तो दो एक्स लग जाएंगे नहीं इन वाले मेथड से हमेशा हमें क्या मिलने वाला है इन वाले मेथड से हमेशा मिलने वाला है जेमिनल क्या मिलने वाला है जेमिनल क्लियर बात और समझो और समझ लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से यही तो आना पड़ेगा अमाइन से भी यही आना पड़े तो ये हमारे मेजर मेथड है जिन में से लगभग हमने सारे मेथड देख SN1, SN2 देख लिया है, तो इन मेथड में कुछ खास अब बचा नहीं, इन मेथड में कुछ खास बचा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अगर एक बार तुमने मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ लिया तो मेथड बहुत कम हो गए। एल्काइल एल्काईलाइट की प्रॉपर्टीज क्या है क्या क्या काम कर सकते हैं पहली रिएक्शन है एस एन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन एस एन की कंडीशन क्या है वो तुम्हें पता है अब बस मैं तुम्हें रिएजेंट लिख के दे देता दे हूं कौन कौन से रिएजेंट होते हैं इसके लिए एमसीआरटी में एक टेबल बनी अगर टेबल याद कर लेते हो तो, तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हारे पास एक्वर सोल्यूशन ऑफ के ओ एच है या किसी भी बेस का एनओ एच का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किसी भी एल्कली का एस ब्लॉक के किसी भी बेस का सोल्यूशन है समझे एल्कोहल से ये बना सकते हो इससे वापस एल्कोहल बना सकते हो ये बनाना एल्कोहल की प्रिपरेशन में फिर आ जाएगा एल्कोहल की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पर से आ जाएगी अगर तुम्हारे पास बच्चों अमोनिया है अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई भी अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल लाओ वो न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा प्राइमरी अमाइन है तो एक एक हाइड्रोजन हटाता जाएगा और उसकी जगह एक एक कार्बन चेन लाता जाएगा सेकेंडरी अमाइन है टैशरी बना देगा तो ये सारी रिएक्शन एक साथ मतलब तुमने अमोनिया डाला प्राइमरी बना प्राइमरी में और हेलाइट डाल दिया सेकेंडरी बन गया सेकेंडरी में और डाल दिया टर्शरी बन गया टर्शरी में भी नाइट्रोजन के पास लोन पे है जब तक नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक है तब तक रिएक्शन करता है अब बेचारा नाइट्रोजन कहेगा अब और नहीं कर सकता मैं रिएक्शन क्योंकि मेरे लोन पेयर खत्म हो गए मेरे लोन पेयर खत्म हो गए तो इन सारी रिएक्शन को कंबाइंडली कहा गया हॉफ मैं अमोनोलाइसिस तो यही रिएक्शन आगे चल के अमाइन की प्रिपरेशन में भी आ जाएगी अमाइन की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन आएगी और क्या ले सकते हैं और क्या लिया जा सकता है सोचो h- h- भी तो न्यूक्लियोफाइल है कहीं से h- आ जाए h- कहां से आएगा किसी अच्छे से मेटल हाइड्राइड जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सब आ गए तो h- सब्स्टिट्यूट कर देगा वही sn1 1 डिग्री मिथाइल है तो sn2 थ्री डिग्री टू डिग्री बेंजाइल एलाइल है तो SN1 इसकी जगह अगर आ गया कार्बोक्सिलेट आयन उतना अच्छा नहीं लेकिन है तो मान लेते ये R डैश है तो आर डैश सी ओ ओ माइनस इस पे आके क्या लग गया ओ माइनस पे आके क्या लगेगा R हर केस में काम सेम होना है न्यूक्लियोफाइल एटम जो भी है वो हमला करके फाइनली X को हटा देगा न्यूक्लियोफाइल एटम जो भी है वो हमला करके फाइनली एक्स को हटा देगा इवन हमने एल्काइन में भी एक रिएक्शन देखी थी कि टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होते हैं वो भी सॉल्ट बनाते हैं राइट टर्मिनल एल्काइन एसिडिक हैं वो भी सॉल्ट बनाते हैं ये भी आर डैश मान लेता हूं तो यहां भी ट्रिपल बॉन्ड हमला करता है और बड़ी एल्काइन चेन बनाता है बड़ी एल्काइन चेन बनाता है ये रिएक्शन हमने एल्काइन चैप्टर में देखी थी तो ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब एल्काइल हेलाइड एल्काइल शुरुआत से बोल रहा हूं एलकाइल एलाइल बेंजाइल तीनों की प्रॉपर्टी सेम है यानी अगर एलकाइल रिएक्शन देंगे तो एलाइल भी देंगे बेंजाइल भी देंगे सब ये रिएक्शन देंगे कार्बो के की स्टेबिलिटी एलकाइल से ज्यादा एलाइल में है रेजोनेंस उससे ज्यादा बेंजीन में है एरोमेटिक तो रिएक्टिविटी भी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी रिएक्टिविटी भी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी दूसरी कैटेगरी एलिमिनेशन एलिमिनेशन मैंने तुम्हें समझा ही दिया है मेनली दो रिएजेंट का देखना है तुम्हें एल्कोहलिक और सोडामाइड ये मैंने तुम्हें अल्काइन में भी समझाया था याद है एलकाइन में कि अल्कोहलिक क्यूएच विनाइल पे नहीं कर पाता तुम समझ सकते हो विनाइल के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये विनाइल पे नहीं कर पाएगा ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ज्यादा स्ट्रांग है, है तो एल्काइल के साथ साथ विनाइल पे भी एलिमिनेशन करा देता है एल्काइल के साथ साथ विनाइल पे भी एलिमिनेशन करा देता है यह वीक है तो यह विनाइल पोजीशन पे एलिमिनेशन नहीं करा पाता है। विनाइल पोजीशन पे एलिमिनेशन नहीं करा पाता है और तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आती है वो आती है मेटल के साथ

अगर क्लोराइड या ब्रोमाइड है NaI से रिएक्शन कराते हैं एसिटोन का मीडियम जो पोलर सॉल्वेंट है SN2 कर देगा हमेशा और एल्काइल आयोडाइड बना देगा क्या बना देगा एल्काइल आयोडाइड तो इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज एक हेलोजन हटा के दूसरा हेलोजन लगाना एक हेलोजन हटा के दूसरा हेलोजन लगाना इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन अगर अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड है साथ में कोई भी फ्लोलिनेटिंग एजेंट लिया गया क्योंकि F- लगाना मुश्किल है कोई भी फ्लोइनेटिंग एजेंट लिया गया ये भी SN2 होती है हमेशा जहां पे मैं हूं ना एसन टू वो समझ जाओ हमेशा एसन टू होगी इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन जहां पे फ्लोरीन एक्सचेंज करता है क्लोरीन और ब्रोमीन को कंबाइंडली इन दोनों रिएक्शन को नाम दिया गया क्या नाम दिया गया हेलोजन एक्सचेंज हेलोजन एक्सचेंज इन दोनों रिएक्शन को बच्चों नाम दिया गया हैलोजन एक्सचेंज तो ये बात हो गई अल्काइल एलाइल और बेंजाइल की प्रॉपर्टीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल नेचर सब कुछ हमने इन्वॉल्व कर लिया इस छोटे से सेक्शन में और एंड टाइम में बच्चों तुम्हें ऐसे ही क्विक समरी की जरूरत है ऐसे ही तुम्हें चाहिए कि कम से कम लाइन में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए जो हमारा टारगेट है अब आते हैं एलाइल बेंजीन वाले दो ही तरीके हैं बनाने के देखो बेंजीन पे हम समझ चुके खुद है इलेक्ट्रोफाइल आता है तो बेंजीन पे एक्स आने के दो तरीके या या तो बेंजीन या उसका कोई डेरिवेटिव लोगे इसकी रिएक्शन कराओगे हेलोजन लुविस एसिड जो हमने बेंजीन में समझा था हेलोजिनेशन जब तुम इस रिएक्शन चार्ट को बनाओगे तो ये बात जरूर मार्क कर लेना कि कौन सी रिएक्शन पहले आ चुकी है उस पर कोई सिंबल बना लो जैसे जो भी रिएक्शन रिपीट होगी उस पे तुम हैश लगाओगे तो जहां-जहां जो रिएक्शन पीछे रिपीट हो इस पे हैश लगाते हो याद रहेगा कि रिपीटेड रिएक्शन है या ऐसा कोई सिंबल बना लो तो कोई ना कोई सिंबल बना लो जो भी रिएक्शन रिपीट है उस पे लगाते चलो तो इसको बोलते थे हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो यहां पे हैलोजन कैसे आ रहा है x+ के फॉर्म में यहां पे हैलोजन कैसे आ रहा है x+ के फॉर्म में दूसरा हमारे सामने x माइनस है और मैंने तुम्हें शायद बताया था कि बेंजीन पे जब भी माइनस लगाना है पहले हमें उसको डायजोनियम बनाना पड़ता है लो टेम्परेचर पे ये दोनों रिएक्शन पुरानी रिएक्शन है दोनों रिएक्शन पुरानी रिएक्शन है अब डायजोनियम के बाद या तो हम क्यूपल हेलाइड एच एक्स ले सकते हैं जिसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन या फिर हम कॉपर और एच एक्स यानी कॉपर मेटल लिया तो गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं कॉपर हेलाइड और मेटल एच एक्स लिया तो उसे बोलते हैं सैंडमेयर तो इसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन और अगर एन ए बी एफ फोर लेने सोडियम बोरो फ्लोराइड एनए बी एच का बड़ा भाई एफ माइनस हमेशा अलग से रास्ता होता है तो इसको बोलते हैं बाल शिमान रिएक्शन बाल्समान रिएक्शन तो ओवरऑल इन तीनों रिएक्शन में कॉमन बात है कि हेलोजन आएगा एक्स माइनस तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अपने आप लगता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए साथ में देखो क्या लिया गया एसिड एसिड जो उसको इलेक्ट्रोफाइल में बदल पाएगा इलेक्ट्रॉन का काम होता है लेना. तो X तो, ये ले ले X तो, तो ये इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस यही बस इन दोनों रिएक्शन का अपना आपस का डिफरेंस अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए देखो सारे के सारे हेलोजन सारे के सारे हेलोजन माइनस आई दिखाते हैं और प्लस एम दिखाते हैं प्लस एम की वजह से जब भी बेंजीन की किसी प्रॉपर्टी को देखना तो वही माइनस आई प्लस एम ये सब देखा जाता है प्लस एम की वजह से ये हो जाते हैं ऑर्थो और, और पैराडायरेक्टिव प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो जो ये माइनस आई है हेलोजन के लिए ये ज्यादा स्ट्रांग है यानी ओवरऑल हेलोजन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ऐसा रियल केस है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन विड्रॉइंग है रिंग डीएक्टिवेटर हेलोजन होते हैं ये मैंने तुम्हें हाइड्रोकार्बन में समझाया था पुराने लेक्चर्स से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास इतना समय तुम्हारे पास नहीं है कि तुम वापस से हर चीज को रिपीट मत करो एक बार एक चीज को अच्छे से करना है ताकि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े तो ये कहलाते हैं रिंग एक्टिवेटर क्या कहलाते हैं रिंग एक्टिवेटर तो यहां पे वही बेंजीन की सारी रिएक्शन होती है नाइट्रेशन सल्फोनेशन ऑल सिग्नेचर रिएक्शन ऑफ बेंजीन वही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो वही पांचों रिएक्शन बेंजीन की यहां पे हो जाती है सिर्फ इतना फर्क है क्योंकि एक हेलोजन पहले से लगा हुआ है एक हेलोजन पहले से लगा हुआ है राइट तो हमारे सामने या तो नया इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा या नया इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि पैरा पे हिंड्रेंस कम है इसलिए पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा कैसा प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट होगा लेकिन बनेंगे दोनों ही दूसरा केस क्या है इतना आसान तो नहीं है लेकिन अगर ज्यादा और प्रेशर दिया तो एस एन कर जाता एसन आसान नहीं है क्यों आसान नहीं उसका रीजन देखो सारी बातें तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी एस एन आसान क्यों नहीं है क्योंकि एस एन अगर होना है एक्स को हटाना है तो यहां पर ऑलरेडी पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहां पर दोस्ती तगड़ी है मजबूत है तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्स को आसानी से हटने नहीं देगा एक्स को हटानी से हटने नहीं देगा बट फिर भी अगर टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा किया है तो एक्स हट के फिनॉक्साइड आयन बना सकता है यानी ओ OH एच माइनस लग सकता है जो एसिडिफिकेशन करेगा तो एसिडिफिकेशन के बाद बदल जाएगा फिनॉल में एसिडिफिकेशन के बाद किसमें बदल जाएगा फिनॉल में एस एन रिएक्शन हो सकती है तब इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो बहुत सारी एस एन रियक्शन होती है एस एन का सिंपल मतलब है, nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution, एक आए दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं डाउस प्रोसेस तो ये फिनोल की प्रिपरेशन में आएगा ये रिएक्शन फिनॉल की प्रिपरेशन में और आएगी अगर तुमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो हेलोजन को निकलने में हेल्प कर दे न्यूक्लियोफाइल को आने में हेल्प कर दे तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बच्चों बढ़ाया जा सकता है अब बात करते ग्रिगनार रिएजेंट में सबसे काम देखो ग्रिगनार रिएजेंट आता बहुत है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन करते तो ग्रिगनार्ड बनता है जो बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों है क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर रिमेंबर वुड्स रिएक्शन आयोनिक कैरेक्टर होने की वजह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अच्छे बेस और अच्छे एस न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसकी रिएक्शन को तुम तीन कैटेगरी में बांट सकते हो अगर H आ गई फिर ये कुछ नहीं देखे करना आओ देखे करना ताओ यही रिएक्शन सबसे प्रियोरिटी है कहीं से भी H+ मिल गया कोई भी एसिड मिल गया ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड पानी बेस सब में H+ है कोई भी H+ देने वाला मिल गया तो एच प्लस लेके हमेशा ये बनाएगा एल के में पढ़ी बहुत रिएक्शन जाती है बट सबसे काम की रिएक्शन यही है यही रिएक्शन सबसे काम की है उसके अलावा दो पॉसिबिलिटी अगर कार्बन डबल बॉन्ड ओ है या कार्बन डबल बॉन्ड एन है देखो ये सारी रिएक्शन आगे जहां जहां आती जाएंगी वहां समझाता जाऊंगा। बट ये बात भी अभी समझ लो कि अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड ओ है जो मैंने तुम्हें समझाया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म याद है ओ माइनस और यहां पे आके लग गया आर पहली कोशिश वो क्या करता है वापस आने की तो पहली कोशिश क्या करेगा कि अगर इस पे लीविंग ग्रुप लगा है तो ये माइनस आएगा निकाल देगा तो ये बन जाएगा कीटोन या एल्डिहाइड की प्रिपरेशन क्या बन जाएगा कीटोन या एल्डिहाइड बनाने का मेथड और ये बनाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से खुद कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं लेकिन उनके डेरिवेटिव ये काम जरूर कर सकते हैं उनके डेरिवेटिव ये काम जरूर कर सकते हैं कि लीविंग ग्रुप को निकाल देंगे और ये हमेशा पहली प्रायोरिटी होगी अगर ये नहीं है अगर वापस आना संभव नहीं है तो ये मीडियम से एच प्लस लेगा अगर वापस आना संभव नहीं है तो ये मीडियम से एच प्लस तो लेगा और एल्टीहाइड कीटोन पे यही जब रिएक्शन करते हैं तो एल्कोहल बन जाता है तो ये सेकेंड वाला आएगा एल्कोहल बनाने का मेथड ऐसे ही सेम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन करता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन करता करता है कार्बन करता है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी तुम्हें कार्बन का किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ डबल बॉन्ड दिखे और साथ में ग्रिगनार्ड दिखे इन दोनों में से कोई एक काम होगा या तो पहले ये होगा ये नहीं हो सकता है तो ये होगा तो ग्रिगनार्ड की जितनी भी तुमने दुनिया जहान की रिएक्शन पढ़ी है सबको यहां पे तीन रिएक्शन में समराइज कर दिया गया कितना आसान हो गया अब तीन रिएक्शन में पूरा समराइज कर दिया है 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 तुम लोगों के के लिए कि अगर एसिडिक तो alkane, bond, के साथ है, तो डबल साथ पहले हमला करा दो डबल बॉन्ड ओपन कर दो वापस लाने की कोशिश करके देख लो अच्छी बात है नहीं ला पाए तो एच प्लस दिलवा दो कहा पानी आने के बाद गिरनाड कुछ नहीं कर सकता बचेंगे इस पर जब कीटोन एल्डिहाइड पाएंगे तो इसको समझेंगे जब कीटोन एल्डिहाइड पाएंगे तब इसको और समझा जाएगा अगले चैप्टर में क्लोरोफॉर्म बहुत काम का है खास क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड कि अगर ऐसा एल्कोहल है यहां पे H ह... या आर कुछ भी लगा हो या फिर इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट यानी अल्फा मिथाइल कीटोन यहां पे भी एच या आर कुछ भी लगा हो इस टाइप के कंपाउंड में जब हम बेस और साथ में हेलोजन मिलाते हैं या इसकी जगह ओ एक्स माइनस आयन मिलाते हैं या वही चीज ब्लीचिंग पाउडर में होती है ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। तो देखो ये मिथाइल होना अत्यंत कंपल्सरी है ये मिथाइल यहां पे होना अत्यंत कंपलसरी, मतलब जितना ये पोर्शन है कंपल्सरी है इनमें चेंज कर ही नहीं सकते तो ये जो मिथाइल है ये टूटेगा और कन्वर्ट हो जाता है हेलोफॉर्म में ये टूटेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म और जो बचा जो बच रहा है देख लो ये, ये वाला पोर्शन दोनों में सेम पोर्शन बचेगा दोनों में सेम बचेगा क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन ये देता है तो जो बचा उसको ऑक्सीडाइज कर दो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में उसको ऑक्सीडाइज कर दो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में तो इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट पहले बहुत पूछी जाती थी रिएक्शन इस रिएक्शन को कहा जाता है हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन जहां पे हेलो हेलोफॉर्म डायरेक्टली बनता है एल्कोहल या कीटोन एल्डिहाइड की मदद से खास बात ये कि अगर हेलोजन आयोडीन है तो जो हेलो फॉर्म है वो बनेगा फॉर्म विच इज अलो कलर सॉलिड तो अगर किसी रिएक्शन में बेस और हेलोजन मिलाने से येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है तो रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगा सकते हो राइट right? अगर किसी रिएक्शन में बेस और हेलोजन बेस और आयोडीन मिलाने से येलो कलर का पेस्ट बन रहा है येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं हम समझ सकते हैं कि ये जो बना ये जो बना ये आइडेंटिफिकेशन करवाता है तो तब इसी रिएक्शन को कह देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट तो अगर कहा जाए कि आर कंपाउंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट तो अगर वो एल्कोहल है तो उसमें ये वाला पोर्शन होना कंपल्सरी है अगर वो कीटोन है तो उसमें ये वाला पोर्शन होना कंपलसरी है तो ये होती है हमारी हेलो फॉर्म रिएक्शन की कहानी अब इन सारी रिएक्शन को तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद करना है देखो इलेवन की ऑर्गेनिक समझने वाली ज्यादा थी ट्वेल्थ में आके समझने के साथ साथ तो रिएक्शन याद करना जरूरी हो जाता है अगर तुम्हें तो रिएक्शन ही नहीं याद है तो तुमने कितना भी मैकेनिज्म समझा हो कितना भी इंटरमीडिएट कितना भी जीओसी को अच्छे से किया हो क्वेश्चन फंस जाएगा रिएक्शन याद है लेकिन जीओसी में कमजोर हो क्वेश्चन तब भी फंसेगा तो ऑर्गेनिक में ऐसा है कि तुम्हें दोनों चीजों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे थोड़ा सा सिमिलैरिटी लाओगे तो ये काम करना आसान हो जाता है ये काम करना आसान हो जाता है तो इसी के लिए बच्चों हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करेंगे अब तुम्हें इस चैप्टर के पी वाई क्यूज लगाने हैं और अपने मोटिवेशन को अभी हाई रखने की जरूरत है आई वुड आस्क एवरी वन ऑफ यू टू स्टे मोटिवेटेड अभी क्लोरोफॉर्म से जुड़ी बहुत सारी रिएक्शन है जो फिनॉल नाम के सेक्शन में आएंगे रीमर टीम रिएक्शन या फिर कार्बेमाइन टेस्ट तो ये सब हम जहां पर आएंगे वहां पर पढ़ेंगे फिलहाल अभी हमने एक बेसिक आइडिया चाहिए था वो बेसिक आइडिया मिल गया अब अगले चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर से और ज्यादा रिएक्शन को समझेंगे और ज्यादा ऑर्गेनिक के अंदर घुसेंगे और एक बार एल्कोहल ईथर फिनॉल होगा तो तुम्हारा सफिशियंट पोर्शन कवर हो जाएगा तब तुम और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो मिलते हैं बच्चों अगले सेक्शन में तब तक पढ़ते रहिए हंसते रहिए मस्त रहिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट